वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और गाइस इस समय जो मैं भरतपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, बांध भरेटा जो बोलते हैं। तो गाइस इस वीडियो में जो है आपको मैं ये बताऊंगा सब में ज़्यादा लाल पत्थर कहाँ पाया जाता, जो क्या ताजमहल में लगा था और आगरा के किले में लगा था, जो गेट वगैरह बनाए गए थे लाल पत्थर से। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पाया जाता है, वो इसी जगह पर पाया जाता है पत्थर। आपको मैं दिखाऊंगा सारी खदानें पत्थरों की, कितनी खदानें हैं लाल पत्थर की, तो सारी दिखाऊंगा मैं आपको। वीडियो में एंड तक ही बने रहना और जो है मैं दिखाता हूँ आपको लाल पत्थर। ये आप मेरे नीचे जो देख रहे हैं सारा ये खदान का पत्थर है, यहाँ से और चला गया है पत्थर और ऊपर का अभी नीचे का रह गया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से पत्थर को। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइस। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारे जूते वगैरह और टेंट और खाने पीने का सामान रखा है वहाँ पर, और जो है गाइस ये मेरे भी जूते भीग गए हैं बारिश में सारे, ये देख रहे हैं ना सारे भीग गए हैं। और यहाँ पर झरना चल रहा है, मैंने पहली वीडियो में वो दिखाया था आपको, यहाँ पे झरना चल रहा है। और जो गाइस ये जो है लाल पत्थर है सारा टोटल, देखो यहाँ से जो ये कटा हुआ है, ये इतना ये कटा हुआ है, ये पत्थर जो है ये कटा हुआ है। तो इस पत्थर को जो है एक ट्रक वगैरह में रख के ले जाते हैं, ऊँट वगैरह से ढोया कर देते पहले ये पत्थर, ये देख रहे हैं ना आप। तो उसके बाद जो इसका कटान होता है पत्थर का आगे जाके, फिर उसके बाद इसकी वो बनती है सिल्ली वगैरह बनती हैं लाल वाली, आपने देखी होंगी लाल किले में लगी हुई देखी होंगी, दिल्ली किले में देखी होंगी, कई जगह जो है लगा हुआ है यहीं का पत्थर का हुआ है सारा। वो ये जो देख रहे हैं सब यहीं से कट कट के जाता है, ये जो है ये सारा टोटल लाल पत्थर है आप देख ही रहे हैं ना गाइस। तो गाइस एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो सारा लाल पत्थर यहीं से जाता है, कहीं को भी कन्वर्ट हो तो सारा यहीं से जाता है कन्वर्ट हो के पत्थर सारा। आगे जाके आगे सिटी है वहाँ पर जो जाके जो है पत्थर की जो सिल्ली वगैरह बनाते हैं सारी। तो गाइस सारा दिखाता हुआ चलूँगा और मैं दिखाता चलूँगा कितनी बड़ी खदान है पत्थर की। सब में बड़ी खदान यही है लाल पत्थर की, इससे बड़ी खदान नहीं है कोई भी, मैंने आज तक नहीं देखी है गाइस इससे बड़ी खदान पत्थर की। तो आपको मैं दिखाता हूँ आगे भी चलेंगे तो सारी खदान दिखाऊंगा गाइस। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और गाइस ये जगह जो है पड़ेगी आपको भरतपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पहले मैं थोड़ा सा झरने का रुख दिखा देता हूँ किधर को है, इधर को झरने चल रहे हैं गाइस, वहाँ से सामने से भी झरने आ रहे हैं बहते हुए, और फिर उसके बाद यहाँ से जो है पानी आ रहा है बहता हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर झरने बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कम खोदा हुआ है पत्थर, थोड़ा ऊपर छोड़ते हैं यहाँ पे ज़्यादा नीचे तक का जो है पत्थर खोद लिया था। बात यह है नीचे तक का पत्थर खोद लिया था, फिर आगे का जो है और नीचे तक का पत्थर खोद लिया था, कारण ये था उधर जो है पत्थर थोड़ा ऊपर सही नहीं था, जहाँ तक पत्थर सही था वहाँ तक खोद कर ले गए थे, और जो सही नहीं था वो जो है पत्थर यहीं पे छोड़ गए थे सारे पत्थर को। ये पड़ा जो है वैसे कटा हुआ यहाँ से भी है गाइस, मैं आपको मैंने अभी दिखाया था कटा हुआ पत्थर, तो जो है कटा हुआ है मतलब लेके नहीं गए थे इसे पत्थर को। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं देखो एक ये यहाँ से है, ये देखो यहाँ का पत्थर चला गया था, यहाँ का जो है यहाँ का नहीं गया था इस जगह का। और ये देखो एक ये कटान है, देखो कितना गहरा तक है कटान ये, और यहाँ से भी कटान है इसका पत्थर का, और यहाँ से भी कटान है पत्थर का, और यहाँ से भी कटान है पत्थर का, और ये देखिए ये भी कटान हुआ है पत्थर का, एकदम कटा हुआ है बिल्कुल। तो गाइस मैं दिखा ही रहा हूँ आपको लगातार, और आगे चलेंगे आगे और दिखाऊंगा मैं आपको। अब मैं थोड़ी फोटोग्राफी करता हूँ, अपना एक आध फोटो खींचता हूँ। तो गाइस पहले जो घरों में सिल्ली जो डाले करती थी यहीं से सारा पत्थर कट के जाया करता था, ये देखिए आप,
और बहुत पहले यहीं की खदान है हुई हुई सारी। ये देख रहे हैं ना आप, ये सारी यहीं की खदान हुई हुई है। ये देखिए गाइस, ये देखिए बनावट बिल्कुल सेम है, सिल्ली यहीं से जाया करती है छत्तों पर लगने के लिए। ये देखो इसी पत्थर की। तो गाइस चलते हैं आगे को, और वहाँ पे एक मंदिर है बना हुआ इस पेड़ के पल्ली तरफ को, पेड़ से पल्ली तरफ को है एक मंदिर। ये देखिए सामने चमक रहा है आपको, तो चलते हैं अब। और गाइस यहाँ का वीडियो जो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। ये हमने बता ही दिया है कहाँ पे खदान होती है सिल्ली वगैरह की, जो घरों में डला करती थी पहले, तो वो जगह जो यही है। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम हर हर महादेव। तो आप भी एक बार ज़रूर आ जाना यहाँ पर।